दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये है मेरे लेमन येलो कलर का हाइब्रिड गुड़हल, जो कि अभी फ्लावरिंग बस अभी यही एक कली है। और यहाँ से मैंने इसको पहले कट किया था, तो यहाँ देखिए ये 6 ब्रांचेस निकल आए थे। तो आज मैं थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग करूँगी और हार्ड प्रूनिंग करूँगी, और इसकी रूट बाउंडिंग भी हो गई है, तो इसको फिर से मैं रिपोर्ट भी करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए ये थोड़े से मैच्योर्ड लीव्स हैं, इनको भी निकाल लेनी है। पहले मैं कल ही कुछ निकाल ली थी इसकी, तो पहले वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से कट कर रही हूँ। अगर इसको खिलने देती तो फिर ये वाले जो कली थे ये फिर से खिलने वाले हो जाते और मेरी लालच भी बढ़ जाती, तो मैं इसको काट नहीं पाती। तो पहले इसको मैंने कट कर लिया है और इसको अच्छी तरह से फिर निकालेंगे। वैसे तो ये गुड़हल के प्लांट रूट बाउंडिंग पसंद करते हैं, और इसकी ज़्यादा मैं रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी, बस हल्की हल्की इसकी मिट्टी ढीली करूँगी। वैसे ज़्यादा रूट बाउंडिंग नहीं हुआ है, और थोड़ी सी इनमें खाद मिलाकर मैं फिर से इसको रिपोर्ट कर दूँगी, ताकि इसके जो ग्रोथ हो अच्छी हो। वीड्स निकल आए थे जिसको मैं निकाल ली है। देखिए, देख रहे हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी बनी है। वेल्ड्रन मिट्टी ही चाहिए होती है हमें। बस ये देखिए, ये रूट बॉल को मैं डिस्टर्ब अभी नहीं करूंगी, फिर से इसी मिट्टी को मैं यूज करूंगी, मगर इनमें थोड़ी सी मैं फर्टिलाइजर ऐड कर दूंगी। दोस्तों इनमें मैं थोड़ी सी अभी वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, और ये देखिए एक चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ, और यहाँ देखिए ये एक मुट्ठी के करीब नीम खली डाल दी है। और यहाँ देखिए ये 2 चम्मच मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट डाली है। इसको फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस देखिए मैंने इसको थोड़ी सी छान ली है, ताकि ये जो रूट्स हैं और थोड़े से जो टुकड़े हैं वो निकल जाएं। आज मेरी बेटी बना रही है वीडियो, तो ये सब मैं कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। ये देखिए, और अभी मैं इनमें थोड़ी सी फंगीसाइड वाला पानी दे दूँगी, ये मिट्टी फिर बैठ जाएंगे फिर, क्योंकि हमें 1 इंच की तक मिट्टी को गमले को खाली रखना है। और ये देखिए, तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो गुड़हल के प्लांट के बारे में, और
वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।